बच्चों, ये कक्षा 8 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल है। इसमें बताना है चतुर्भुज की रचना करना, लिफ्ट या लाई एफ टी है, लिफ्ट है, इसकी रचना करनी है। भुजाओं की माप यहाँ पे दी है। हम इसमें देखते हैं कि दो विकर्ण भी दिया है हमको, और विकर्ण को हम नहीं देखते, भुजाओं की देखते हैं। भुजाओं की एक माप ले लेते हैं, कोई भी एक माप ले लीजिए और खींच दीजिए आप उतना सेंटीमीटर पटरी से। खींचने के बाद क्या करेंगे, फिर उसकी माप देखते हैं कि हम कोई भी बिंदु मान लीजिए, जैसे हम एल आई माने हैं 4 सेंटीमीटर और एल टी हमको दिया 2.5 सेंटीमीटर इसमें दिया है, और उसके बाद दिया है आई टी 4 सेंटीमीटर। देखिए आई टी 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम पटरी में प्रकार में ऐसे करेंगे और प्रकार से पटरी को ऐसे माप लेंगे। यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर की दूरी और 4.5 सेंटीमीटर की दूरी, और या 4 सेंटीमीटर जितनी दूरी दी गई होगी मापेंगे, और यहाँ से एक चाप 2.5 सेंटीमीटर का लगाएंगे। उसके बाद आई से यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे बिंदु टी मान लेंगे, और सीधा से एल टी से एक 2.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, आई से टी से 4.5 सेंटीमीटर का खींचेंगे और खींच दिए, इसे मिला दिए। दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम इस बिंदु से आई एफ हमारा 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से पटरी से प्रकार से मापेंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से यल से लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ लगा दिए, और ये जहाँ पे चाप काटता है वहीं पे इसको मिला देते हैं, और इसे मिलाने के बाद ये हमारा चतुर्भुज की माप का बन गया। एक भुजा की माप नहीं दिया, लेकिन ये दोनों बिंदु हमको मिल गए, तो इन दोनों बिंदु को लास्ट में मिला देते हैं। इस प्रकार हमारा एल आई एफ टी चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। इस प्रकार हमारा एल आई एफ टी चतुर्भुज बन के तैयार हो गया है।